रॉड तो बिल्कुल फ्री है, इसका स्विच वगैरह गायब है, इसका मेन तार श्री में देने पर कोई काम नहीं कर रहा है। इसको खोलने के बाद ये सभी काम पिछले वीडियो में हम बता चुके हैं, फराटा फैन रिपेयरिंग पार्ट वन में बता चुके हैं। विशेष आगे देखिए, कॉयल का लूप गायब है, इसलिए हम कॉयल का सूत काट कर आगे देखेंगे। ये दोनों कॉयल का जॉइंट है और ये रनिंग लूप, ये फर्स्ट कॉयल का दूसरा लूप जो इस आगे वाला कॉयल में गया है, अब इसके सहारे ये तीसरा कॉयल में गया है। डबल लूप में सीरीज तार जोड़कर और इसका प्लग सीरीज में डालकर ये तार पहला का दूसरा लूप फर्स्ट कॉयल ओके है। यहाँ कॉयल चेक करने पर दूसरा पता चलेगा, दूसरा भी ओके है, दूसरा का अंतिम छोर इसमें गया है, तीसरा कॉयल भी ओके है, यहाँ लूप भी बता रहा है, रनिंग का चारों कॉयल ओके है। उसी तरह स्टार्टिंग का भी चारों कॉयल का ज्वाइंट सिरा निकाल कर चेक करेंगे, चेक करने पर पता चल गया कौन कॉयल ख़राब है। फर्स्ट कॉयल ठीक है, दूसरा कॉयल ख़राब है। इसी तरह सभी सिराओं को चेक करेंगे कौन ठीक है और कौन ख़राब, तीसरा कॉयल भी नहीं बता रहा है, तो लूप कहाँ से बताएगा। स्टार्टिंग का तीन कॉयल ख़राब है। स्ट्रेचर से कॉयल हटाने के लिए सबसे पहले कॉयल में जो धागा बांधा है उसे निकालेंगे। निकालने के बाद सबसे पहले स्टार्टिंग कॉयल निकालते हैं। स्टार्टिंग कॉयल के ऊपर वाला पेपर को किसी नुकीली चीज़ से कट करेंगे, ऐसे कट करते हैं। उसे कट करने के बाद कॉयल को निकालेंगे, ऐसे कट दोनों तरफ करेंगे। कॉयल को ऊपर की ओर करके स्लॉट से कॉयल को बाहर निकालेंगे, ऐसे धीरे धीरे करने से कॉयल बाहर आ जाएगा। अगर कॉयल जला हो या टूटा हो तो किसी तरह निकाल लेंगे, लेकिन रिपेयर करना हो तो सावधानी पूर्वक निकालना पड़ता है। देखिए एक कॉयल बाहर आ गया, अब दूसरा भी कॉयल बाहर आ गया। इसी तरह बारी बारी से सभी कॉयल को बाहर निकालेंगे। स्टार्टिंग का सभी कॉयल बाहर निकल चुका, आप देख सकते हैं। स्टार्टिंग कॉयल निकालने के बाद रनिंग कॉयल भी उसी तरह पहले ऊपर वाला पेपर कट करेंगे, स्लॉट से कॉयल को ऊपर करके कॉयल को धीरे धीरे बाहर निकालेंगे। अगर रिवाइंडिंग नहीं करना हो, रिपेयरिंग करना हो तो उसे सावधानीपूर्वक निकालते हैं। अगर रिवाइंडिंग करना हो तो कॉयल को जोड़ देकर किसी भी तरह निकाल लेते हैं। देखिए रनिंग का एक कॉयल निकल गया। इसी तरह बारी बारी से सभी कॉयल बाहर निकालेंगे। ये रनिंग कॉयल का अंतिम कॉयल है, इसको निकालने के बाद स्लॉट खाली हो गया। देखिए यह एक इंची यानी 25 mm का स्ट्रेचर है, इसको ऐसे मोड़ कर डालना है। अगर इतना छोटा पेपर डालेंगे तो कॉयल को डालने पर इधर उधर खिंचाव पर कॉयल कट जाएगा, और अगर लंबा पेपर डालेंगे तो कॉयल डालने पर या ठोक ठेठाव करने पर इस तरह पेपर आगे पीछे होता रहेगा। काटा हुआ पेपर को इस तरह मोड़कर और पेचकस से गोल बनाकर स्ट्रेचर के स्लॉट में इस तरह डालें ताकि दोनों तरफ मोड़ा हुआ आ जाए। इस तरह पहले पेपर लें, फिर मोड़ें, फिर पेचकस पर पेपर को रोलिंग दें, तब जाकर स्लॉट में डालें जो अच्छा से बैठ जाएगा। पेपर ले मोड़ें और डालें, फिर पेपर ले मोड़ें और डालें, फिर पेपर ले मोड़ें और डालें, इसी तरह फिर पेपर ले मोड़ें और डालें, इसी तरह पेपर मोड़ते और डालते स्ट्रेचर का स्लॉट भर जाएगा। देखिए भर गया। ये दोनों छोड़कर 1 से 4 और 1 से 6 लंबाई को नापने के लिए एक तार को लेकर एक बार 1 से 4 में डालेंगे, एक में डालकर और पीछे मोड़कर बाहर निकालेंगे, 1, 2, 3, 4। अब 1 से 6 में डालेंगे और पीछे भी पेपर के नीचे तक देखेंगे, फिर 1 से 6 में दोबारा डालेंगे। डाल लेने के बाद आगे पीछे देखकर पेपर के नीचे तक लेंगे। अब लंबाई का दुगना करके फिर उनको इंची टेप से लंबाई नापेंगे। इसकी लंबाई 10.5 inch है, या जो पुराना जो कॉयल निकला है उससे भी कॉयल की लंबाई नाप लेंगे। देखिए 10.5 inch है,
5 ब्लेड फराटा फैन, वाइडिंग के लिए डाटा, स्ट्रेचर का विंथ 20 mm, इनर डायड 65 mm, ओडी 105 mm, रनिंग वाइंडिंग के लिए वायर का गेज 30 नंबर, टर्न 160, क्वाइल का लेंथ 21 इंची। अब क्वाइल का पिच 1-4 एक बार, 1-6 दो बार। अब स्टार्टिंग वाइंडिंग के लिए वायर का गेज 31 नंबर, टर्न 150, क्वाइल का लेंथ 20 इंची। अब क्वाइल का पिच 1-4 एक बार, 1-6 दो बार। क्वाइल बांधने के लिए 2 कील का प्रयोग करेंगे, एक के बाद नाप कर दूसरा कील 10.5 पर ठोक देंगे और कील में पाइप डाल देंगे। यह वायर 30 नंबर है जो रनिंग में बांधा जाता है। अब क्वाइल बांधना यहाँ से हम शुरू करेंगे। रनिंग के लिए 160 टर्न बांधना है और वायर का नंबर है 30। बांधने के और दूसरा भी विधि है जो आगे हम बताएंगे। 160 टर्न बांध लेने के बाद एक धागा के सहारे क्वाइल को बांध लेंगे ताकि क्वाइल इधर उधर ना हो। अब दोनों कील से क्वाइल को निकाल कर उसको सीधा करके एक तरफ रख देंगे और फिर दूसरा क्वाइल बांधना शुरू करेंगे। फिर दूसरा क्वाइल भी बांधकर उसमें धागा बांधेंगे। सभी रनिंग क्वाइल में 160 टर्न ही होंगे और सभी को लपेट कर धागा बांधकर सीधा करके एक तरफ रखते जाएंगे। अब देखिए चारों क्वाइल बांधा जा चुका है। अब इस चारों क्वाइल को स्ट्रेचर में डालना है। क्वाइल को स्ट्रेचर में डालकर उसके किसी एक स्लॉट में पहले क्वाइल डालेंगे, फिर उसे ऊपर से लॉक कर देंगे ताकि क्वाइल निकले नहीं। 1-2-3-4 इसमें डालना है। एक में डालने के बाद अब चौथा में डालना है। क्वाइल को डालकर इसे भी ऊपर से लॉक कर देंगे। आगे जितना अधिक निकला हो उसे पीछे की ओर खींच लेंगे। अब दाहिने वाला क्वाइल को मोड़कर बाएं वाला स्लॉट में डालेंगे, पहले डाला गया क्वाइल के बगल में। 1-2-3-4-5-6 दाहिने वाला घुमाकर बायां में डालने के बाद अब इसे छठवां स्लॉट दाहिने में डालेंगे। डाल लेने के बाद दाहिने वाला बाएं में सबको मोड़कर स्ट्रेचर में डालकर पहले वाला एक में दोबारा डालेंगे बाएं के तरफ। गुच्छा को एक बार में नहीं, धीरे धीरे डालेंगे ताकि अंदर चला जाए और क्वाइल भी न टूटे। इस क्वाइल को डाल लेने के बाद इसमें अब दो बार हो चुका, इसे लॉक कर देंगे। लॉक कर लेने के बाद अब दाहिने छठवां में दोबारा डालेंगे और उसे डालकर इसको भी ऊपर से लॉक कर देंगे। एक क्वाइल डाल लेने के बाद उसको बराबर करके उसको पीछे की ओर मोड़ लेंगे ताकि दोबारा क्वाइल बांधने पर ठीक से बैठ जाए। ये फर्स्ट क्वाइल का फर्स्ट लूप और ये दूसरा लूप है। अब दूसरा क्वाइल को 1-4 में डालकर और इसको भी बाएं वाला को दाएं घुमाकर 1-4 वाला क्वाइल के बगल में डालेंगे। क्वाइल को डाल लेने के बाद 1-2-3-4-5-6 अब इस वाइंडिंग को फिर छठवां स्लॉट में डालेंगे। छठवां स्लॉट में डाल लेने के बाद पहले के तरह मोड़कर स्ट्रेचर में डालेंगे। डालकर फिर 6 नंबर स्लॉट में दोबारा डालेंगे और उसे डालकर उसे ऊपर वाला पेपर डालकर लॉक कर देंगे। फिर पहले वाला में भी डालकर लॉक कर देंगे। ये पहला लूप और यह दूसरा, और यह दाहिने वाला दूसरे के दाहिने में आया और इसका ये लूप बाएं आ गया। अब तीसरा कॉल डाल रहे हैं, दूसरा की तरह तीसरा को भी डालेंगे और डालकर लॉक कर देंगे। 3 कॉल डाला जा चुका है, अब चौथा को डालना है। चौथा कॉल डालने के लिए 1 स्लॉट छोड़ कर डालें और डालने के बाद उसे लॉक कर दें और इधर भी 1 स्लॉट छोड़ कर डालें। उस स्लॉट में 2 बार क्वाइल डाला जाएगा। इस क्वाइल को दाएं से बाएं घुमाएं और दोनों खाली स्लॉट में डाल दें और फिर इसे मोड़कर उसी में दोबारा डालें
और फिर दोनों को लॉक कर दें। उसके बाद रनिंग कॉइल का दो लूप फाइनल हो गया। रनिंग कॉइल के चारों कॉइल एक में था। अब स्टार्टिंग वाइंडिंग के चारों कॉइल अलग अलग बांधेंगे। इसके लिए एक लकड़ी का बोट लेंगे। बोट को ले लेने के बाद इस पर दो कील ठोक देंगे। रनिंग वाइंडिंग की लंबाई 21 इंची यानी 10.5 स्क्वायर इंच था और अब स्टार्टिंग वाइंडिंग की लंबाई 20 इंच यानी 10 स्क्वायर इंच होगा। इस बोर्ड पर 10 इंची नाप चुके हैं। यह 31 इंची कॉइल का रीला है। इसी से स्टार्टिंग वाइंडिंग बांधा जाएगा। अब अलग अलग यहां से स्टार्टिंग वाइंडिंग बांधना शुरू कर रहे हैं। कॉइल की लंबाई 10 स्क्वायर इंच है और स्टार्टिंग वाइंडिंग में भी चार कॉइल बांधा जाएगा जो अलग अलग होगा। बांधा गया कॉइल को एक सूता के सहारे बांध देंगे ताकि सरके नहीं, और कॉइल को कट करके दोनों कीलों से कॉइल को निकाल कर कॉइल को सीधा कर लेंगे। इसी तरह सभी चारों कॉइल को बांध लेंगे, फिर उसको गांठ देंगे, फिर कॉइल को कट करेंगे, फिर दोनों कीलों से बाहर निकाल कर सीधा कर लेंगे। देखिए चारों कॉइल बांधा जा चुका है। यह रनिंग कॉइल है जिसमें दो बार बांधा जा चुका है। इस दोनों को छोड़कर इसके बगल में दोनों तरफ भी रनिंग कॉइल है जिसमें एक बार बांधा गया है। उसी में यानी 1 से 4 में स्टार्टिंग कॉइल भी डाला जाएगा। देखिए इसी दोनों में हम डाल रहे हैं। एक कॉइल डाल लेने के बाद उसके ऊपर पेपर डालकर उसे लॉक कर देंगे। 1, 2, 3, 4 इसमें भी एक रनिंग कॉइल है। स्टार्टिंग का एक कॉइल भी उसमें डालेंगे और डालकर उसको ऊपर से पेपर देकर लॉक कर देंगे। अब बगल वाला खाली स्लॉट में स्टार्टिंग कॉइल को दो बार डालेंगे और रनिंग वाइंडिंग के तरह ही, और इसको भी दाएं वाला कॉइल को बाएं घुमाकर स्टार्टिंग में डालेंगे इस तरह है, और उसे पेपर से लॉक कर देंगे। अंतिम कॉइल लॉक करने के बाद रनिंग का फर्स्ट कॉइल ओके हो गया और स्टार्टिंग का सभी कॉइल इसी तरह डालेंगे। 3 कॉइल बांधा जा चुका है। अब चौथा कॉइल डालना है। पहले लत्ती को स्ट्रेचर में डालकर 1 से 4 में एक बार डालकर उसे लॉक कर लेंगे, फिर 1 से 6 में एक बार डालेंगे। दाएं वाला को बाएं मोड़कर 1 से 6 में दोबारा डालेंगे और उसे लॉक कर देंगे। अब स्टार्टिंग का चारों कॉइल डाला जा चुका है। रनिंग का चारों कॉइल एक में बंधा है और अच्छी तरह उसके लूप के बारे में समझ लें। ये उसका फर्स्ट लूप और इस कॉइल का ये दूसरा लूप जो दाहिने निकला है। पहला का दाहिने वाला लूप दूसरा कॉइल के दाहिने वाला में जाएगा और वह बाएं निकलेगा, और ये बाएं वाला लूप तीसरा कॉइल के बाएं जाएगा, और तीसरा का दूसरा लूप दाएं निकलेगा और वह चौथा में दाएं जाएगा। देखिए यहाँ है, और चौथा का अंतिम लूप ऊपर वाला रनिंग वाइंडिंग है और नीचे वाला स्टार्टिंग वाइंडिंग। अब हम स्टार्टिंग कॉइल का कनेक्शन करेंगे। रनिंग का चारों कॉइल एक में था इसलिए उसका कनेक्शन नहीं करना था। इस स्टार्टिंग में चारों कॉइल अलग अलग है। इसके 4 कॉइल के 8 लूप को कनेक्शन करके 2 लूप बनाना है। सभी कॉइल में 2-2 लूप है। नीचे वाला दोनों लूप रनिंग के हैं। फर्स्ट कॉइल के दाएं साइड में पाइप डालेंगे। यह फर्स्ट लूप बाहर के लिए होगा। फर्स्ट कॉइल के बाएं लूप में पाइप डालकर दूसरा कॉइल के बाएं वाला लूप में जोड़ देंगे। दूसरा कॉइल के दाएं वाला लूप को पाइप डालकर तीसरा कॉइल के दाएं वाला लूप में जोड़ देंगे, और तीसरा कॉइल के बाएं वाला लूप को पाइप डालकर चौथा कॉइल के बाएं वाला लूप में जोड़ देंगे, और फिर चौथा कॉइल के दाएं वाला लूप में पाइप डालकर बाहर के लिए छोड़ देंगे जो स्टार्टिंग का दूसरा लूप होगा। सभी कनेक्शन को छील कर और जोड़ कर अधिक वाला पॉइंट काट कर अब स्टार्टिंग कॉइल का लूप चेक करेंगे। स्टार्टिंग का एक लूप सीरीज में जोड़ कर सीरीज के दूसरा पॉइंट से चेक करेंगे। पहला कॉइल ओके है, दूसरा भी कॉइल ओके है, तीसरा भी कॉइल ओके है, अंतिम लूप तक ठीक है। बिना लाइन का स्ट्रेचर मैग्नेट नहीं बनाता है। सीरीज का दूसरा तार स्टार्टिंग के फर्स्ट जॉइंट पर देने पर एक तरफ मैग्नेट बनाएगा
और दूसरा जॉइंट पर देने पर दो तरफ है, आधा में देगा आधा में नहीं। अब तीसरा जॉइंट पर देने पर तीन तरफ मैग्नेट बनाएगा, एक तरफ नहीं, क्योंकि एक तरफ चौथा कॉइल है। सीरीज का दूसरा तार स्टार्टिंग के लास्ट लूप पर जोड़ने पर चारों तरफ मैग्नेट बनाएगा। सभी जोड़ों को पाइप के अंदर करके और फिर उसके बाद रनिंग और स्टार्टिंग दोनों के बीच में एक पेपर देंगे ताकि दोनों आपस में शॉर्ट न करें। फिर उसके बाद एक धागा के सहारे दोनों के बीच में पेपर डालते हुए दोनों तरफ से बांधते हुए रनिंग और स्टार्टिंग दोनों को बांध देंगे ताकि दोनों कॉइल एकजुट बंधा रहे। कॉइल को चारों तरफ से बांधेंगे। बांध लेने के बाद देखिए अब कॉइल चारों तरफ से बांधा जा चुका है। एक तरफ के दोनों लूप को जोड़ देंगे कमन के लिए और इसमें लाल तार को जोड़ेंगे। लाल तार जोड़ने के बाद एक काला तार लेकर एक छोर में स्टार्टिंग का तार जोड़ेंगे और दूसरा छोर में रनिंग का तार जोड़ने के बाद फिर स्टार्टिंग में पाइप डालकर रनिंग में भी डालेंगे। उसके बाद लाल तार कमन में भी पाइप डाल देंगे और सभी लूप को एक प्लास्टिक लॉक के सहारे बांध देंगे। बांध देने के बाद लूप ओके। स्ट्रेचर के मैग्नेट चेक करने के बाद बॉडी में स्ट्रेचर को डालेंगे। डाल लेने के बाद धीरे धीरे ठोकेंगे, चारों तरफ से धीरे धीरे ठोकेंगे ताकि स्ट्रेचर बॉडी में ठीक से बैठ जाए। पाइप वाला सेंटर नीचे है और इसके ऊपर ऊपर। अब बैक कसने के लिए यहाँ दोनों क्लिप के बीच में होल है, यह बॉडी में ऊपर रहेगा ऐसे, और इसको ठीक से बैठा कर इसका सभी नट कस लेंगे। सभी नट बारी बारी से कसेंगे और पीछे वाला बैग धीरे धीरे बैठता जाएगा। इसको जितना टाइट करेंगे उतना ही बैग बॉडी में बैठेगा और हम धीरे धीरे कसते जाएंगे। बैग को कसते हुए धीरे धीरे हैमर से ठोक लेंगे ताकि जहां ना बैठा हो वहां भी बैठ जाए। फिर नट बोल्ट को टाइट कर लेंगे। कॉइल से निकला दोनों काला लूप में कंडेंसर को जोड़ देंगे और मेन लाइन कमन लाल में जोड़कर मेन लाइन का प्लग लाइन में डालकर रनिंग टेस्ट के लिए धूरा में एक टेप देंगे और मेन लाइन का दूसरा छोर कंडेंसर पर देने पर पंखा ओके। हम बांधे हैं तो जानते हैं कि लाल तार कमन है और दोनों काला कंडेंसर के लिए। अब हम एक दूसरा रंग का तार जोड़ते हैं तीनों तीन रंग बनाने के लिए। सीरीज प्लग को सीरीज में डालकर चेक करेंगे। सीरीज का पहला लूप लाल में जोड़ते हैं। अब दोनों दो रंग के तार को चेक करेंगे। इस दोनों पर बल्ब सेम जलता है। अब सीरीज का पहला छोर काला में जोड़ेंगे, फिर चेक करेंगे। लाल और भूरा दोनों को एक साथ लेकर अब दोनों पर चेक करेंगे। लाल पर अधिक जलता है और भूरा पर कम, इसलिए लाल कॉमन हुआ, भूरा काला कंडेंसर। फराटा फैन में 4 MFD कंडेंसर का प्रयोग होता है और कंडेंसर को दोनों काला में जोड़ देंगे और स्टार्टिंग में पाइप डालकर गांठ देकर उसे ब्लॉक कर देंगे और लाल कमन में मेन लाइन जोड़कर उसमें पाइप डालकर उसमें गांठ दे देंगे। अब मेन लाइन का दूसरा छोर काला कंडेंसर में जोड़कर उसमें पाइप डालकर उसमें भी गांठ देंगे। मेन लाइन का तार मेन लाइन देने पर फराटा ओके। फराटा फैन में स्विच का कनेक्शन कैसे करेंगे आइए हम जानते हैं। मेन लाइन काला और काला कनेक्शन जो एक पर जुड़े हैं उसका कनेक्शन हटा देंगे। अब मेन लाइन काला को स्विच के एल पर जोड़ेंगे। स्विच के एल पर जोड़ लेने के बाद अब काला कंडेंसर को स्विच के बिचला पोल पर या एक नंबर पोल पर जोड़ेंगे। जोड़ लेने के बाद
अब पंखा के मेन लाइन को लाइन में देंगे। अब रोटरी स्विच से पंखा ऑन ऑफ होगा। फराटा फैन हाई लो करने के लिए एक स्विच के साथ 2.5 MVF डबल कैपेसिटर का प्रयोग होता है। दोनों कैपेसिटर का एक एक तार आपस में जोड़कर उसको स्टार्टिंग में जोड़कर उसको पाइप में डालकर गांठ दे देंगे। फिर उसके बाद रनिंग में एक कंडेंसर को जोड़कर अब मेन लाइन के काला तार को स्विच के एल पर जोड़ देंगे। रनिंग और कैपेसिटर के जुड़े हुए तार को स्विच के एक नंबर पर जोड़ेंगे और सिंगल कंडेंसर रोटरी के दो नंबर पोल पर। अब पंखा के तार मेन लाइन में डालकर स्विच को एक बार घुमाने पर रनिंग को एक कंडेंसर मिलेगा और दोबारा घुमाने पर रनिंग को डबल कंडेंसर मिलेगा जिसे तेज होगा।